दोस्तों वो अपडेट आ गई है यूट्यूब के, जिसका हमको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बहुत से यूट्यूबर्स को इंतजार था। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हम किसी भी किस्म का जो म्यूजिक है वो कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपने, जैसे हम स्नैक वीडियो या टिकटॉक वगैरह पे कोई भी म्यूजिक लगाते हैं तो हमारी वीडियो बहुत अच्छी हो जाती है, वैसे ही वो चाह रहे थे कि किस तरह से हम जो है एक अच्छा म्यूजिक, अपनी पसंद का बॉलीवुड म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक जो है वो अपने YouTube चैनल पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए YouTube अपडेट लेके आ रहा था, मैंने काफी अर्सा पहले एक वीडियो भी लगाई थी कि अपडेट आने वाली है, तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है। तो उस अपडेट में अब YouTube ने क्या किया है कि उन्होंने YouTube का कोई भी किसी भी किस्म का म्यूजिक अपने चैनल पे जो है अपलोड करने की इजाजत दे दी है। और उसमें क्या होगा कि ये सबसे पहली तो उन्होंने शर्त रखी है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। मोनेटाइज चैनल पे जो है क्रिएटर म्यूजिक की ऑप्शन आएगी, क्रिएटर म्यूजिक से आप अपनी मर्जी का गाना लगा सकते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको क्रिएटर म्यूजिक की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाना, यूट्यूब स्टूडियो पे जाने के बाद वहां पे आपको होम स्क्रीन नजर आएगी, एक लाइब्रेरी नजर आएगी और तीसरी चीज जो वो ब्राउज नजर आएगा। तो आपने योर लाइब्रेरी में जाना है तो योर लाइब्रेरी के अंदर परचेज, डाउनलोड और सेव्ड की ऑप्शन होगी। मतलब अगर आपको कोई भी म्यूजिक जो है वो पसंद है तो उसको आप खरीद भी सकते हैं, लाइसेंस उसका ले सकते हैं। लेकिन लाइसेंस लेने का ये मतलब नहीं कि आपको उसकी ओनरशिप मिल गई है, उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि गाना आपने वो, आप उसके मालिक बन गए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप उसको अपने चैनल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज और आपने तवज्जो रखनी है कि जिस ईमेल एड्रेस से आपने सॉन्ग को परचेज करना है सिर्फ उसी ईमेल एड्रेस पे आपने वन टाइम उसको इस्तेमाल करना है। मतलब कि सॉन्ग जो आप परचेज करते हैं यू कैन यूज ओनली वन टाइम, नो मोर देन वन टाइम। लेकिन इसमें एक चीज की कंफ्यूजन, ये तो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना कि हमने जिस ईमेल एड्रेस से परचेज किया सॉन्ग सिर्फ उसी ईमेल एड्रेस पे उसको यूज करेंगे, किसी दूसरी ईमेल एड्रेस पे सॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही होगा, अगर करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन अब ये नहीं पता कि वन टाइम मतलब कि हमने परचेज करके अपने चैनल पे तो यूज कर लिया, लेकिन हम अपने चैनल की मल्टीपल वीडियोस पे वो लगा सकते हैं कि नहीं, ये अभी तक कंफर्म क्लियर नहीं किया यूट्यूब ने। आपने जब क्रिएटर म्यूजिक पे जाना है तो वहां पे परचेज की ऑप्शन मिलेगी, वहां से आप सॉन्ग जो है वो परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वैसे फेवरेट हो सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। उसके बाद आपको एड की ऑप्शन मिलेगी, फिर आपने एड में जाना है तो वहां पे अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगेगा और ऑनलाइन आप परचेज करेंगे। और अगर आपने वैसे म्यूजिक मतलब के लगाना चाह रहे हैं अपनी वीडियो पे 50% शेयरिंग पे, तो फिर 50% उसका रेवेन्यू आपको जाएगा, 50% कंपनी को रेवेन्यू जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और देख लें कि कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स होंगे जिनका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, उसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरी होगी। एक सॉन्ग होगा शो कर रहा होगा कि इसका लाइसेंस आप ले सकते हैं, एक होगा जिसका लाइसेंस नहीं ले सकते, ये शेयरिंग बेस पे आप इसको अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होगी, ना ही आप लाइसेंस ले सकते हैं ना इसको शेयरिंग बेस पे अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होंगी। इस बड़ी अपडेट का छोटे यूट्यूबर्स को ये फायदा होगा कि इन्होंने एक चीज और रखी है कि इस जो डिफरेंट सॉन्ग्स होंगे आपकी लाइब्रेरी में यूट्यूब की, इनका रेट सेम नहीं होगा, डिफरेंट रेट्स होगा। मिसाल के तौर पे एक चैनल पे एक सॉन्ग का रेट $2 है तो दूसरे चैनल पे उसका रेट $5 या $6 भी हो सकता है, तीसरे पे $10 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माई सेंस एंड माई नॉलेज, मेरे ख्याल के मुताबिक ये हो सकता है कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज या सब्सक्राइबर्स कम होंगे उनके पास सॉन्ग्स वगैरह का रेट कम आएगा, और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं मिलियंस के हिसाब से उनके पास जो सॉन्ग्स वगैरह जो परचेज करेंगे उनका रेट ज्यादा आएगा। लेकिन देखिए ये तो जब आगे जाके आप परचेज करेंगे, अभी इन्होंने ये सारा क्राइटेरिया बता दिया, निकाल दिया, लेकिन अभी ये इन फ्यूचर थोड़ा सा आगे जाके यूट्यूब ये सारा सिस्टम आपको देगा। अभी जस्ट उन्होंने एक नई अपडेट दी है और यूट्यूब अपडेट पे अपडेट देता जा रहा है, पता नहीं ये परेशान है, इसका कंपटीशन टिकटॉक और स्नैक के साथ ज्यादा है या क्या वजह है, बहुत ज्यादा ये अपडेट देता जा रहा है, आए दिन इसकी नई से नई अपडेट आ जाती है, हमें भी परेशानी होती है देख के। मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा परेशानी यूट्यूब को हो रही है कि वो इतनी ज्यादा नई से नई अपडेट क्यों निकालता जा रहा है। व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग वाले जो चैनल है इनको इस चीज का काफी फायदा होगा, उनकी वीडियो ज्यादा वायरल होगी म्यूजिक यूज करने से। बाकी छोटे यूट्यूबर्स को इस चीज का फायदा होगा कि अगर वो सॉन्ग परचेज करते हैं तो उनको एक या $2 में होप्सो के मिल जाएगा। बड़े यूट्यूबर्स को चूंकि उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, तो उनको जो है जो एक्सपेंसिव मिलेगा ये सॉन्ग। एनीवेज ये थी नई अपडेट, आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, मैं हूं उलीट साकिब के साथ, हाफिज साकिब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।